पन्ना में बिजली विभाग द्वारा बकाया बिल और अवैध कनेक्शन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन देवेंद्र नगर तहसील के ग्राम पंचायत मकरा में बिजली विभाग का अलग ही कारनामा देखने को मिला, जहां विभाग के अमले ने धनीराम कुशवाहा के यहां कार्रवाई करते हुए उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मामले को लेकर धनीराम का कहना है कि उसके नाम से कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरा बकाया बिल निकाल दिया और मेरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जिसको लेकर धनीराम ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर बिजली विभाग को कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। मेरी समस्या ये है कि बिजली विभाग वालों ने मेरा ट्रैक्टर खींच कर चौकी थाने का कैंटीन में रख दिया गया है, जो कि ना ही मेरे नाम से कोई बिजली कनेक्शन है और ना ही मेरे नाम से कोई कनेक्शन, ना मेरा कोई बिल बकाया है। अब विभाग वाले बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा ट्रैक्टर, जब तुम 45,000 रुपये जमा करोगे जब हम तुम्हारा ट्रैक्टर छोड़ेंगे, और रानीपुरा का बिल बकाया है और ट्रैक्टर उठा लिया गया है मेरे। अब डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 181 में भी कॉल किया हुआ है परसों से, कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, परसों से आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। 3 दिन से मेरा ट्रैक्टर रखा है बिना कोई कसूर के, ना मेरा कोई कनेक्शन, ना मेरा कोई बिजली बिल बकाया। विद्युत आपस वाले मेरे से पैसा मांग रहे हैं, बिल जमा करो तुम, बिल जमा करो तुम, जब तुम्हारा ट्रैक्टर देंगे। खुली गुंडागर्दी, तामाशाही मानने की धमकी, जबरन ट्रैक्टर छीन लेगा, जो कि ट्रैक्टर मेरे नाम पे, मेरा ट्रैक्टर, मैं ग्राम मखरा का रहने वाला हूँ।